14th क्वेश्चन देखिए, ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फायर्ड ए बुलेट एट थीफ्स कार, थीफ की कार के ऊपर बुलेट को फायर करते हैं, स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन, जो कि सेम डायरेक्शन में है, विद ए स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर, यानी जो थीफ की कार है उसकी स्पीड है 192 किलोमीटर पर आवर, विद द मजल स्पीड, मजल स्पीड क्या होती है कि जो गन में से जब बुलेट निकलती है ना उस टाइम पर उसकी जो उसकी स्पीड है, जैसे कुछ गन ऐसी होती है आपकी, ये गन है मान लीजिए ऐसे बना रखी हुई गन ऐसे, तो यहाँ से जब निकलेगी ना बोल यहाँ से, वो उसकी स्पीड क्या होती है, मजल स्पीड। और ये गन लेके जो पुलिस का जो बंदा है ये किसके अंदर है, कार के अंदर है, पुलिस वैन के अंदर है, और यहाँ आगे क्या चल रही है आपकी, थीफ की कार है, इसकी स्पीड क्या है 192 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से जो पुलिस वैन है इसकी स्पीड क्या लिखी थी यहाँ पे, ये कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और गन में से जो बुलेट निकल रही है उसकी स्पीड दे रखी है विद ए स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकंड, यानी कि यहाँ से जो गन निकलेगी बुलेट निकलेगी उसकी स्पीड है 150 मीटर पर सेकंड, ठीक है। विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार, तो किस स्पीड से बुलेट जो है ना थीफ की कार को हिट करेगी, तो कैसे करेंगे देखिए इसको, मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन क्या दे रखी है आपकी 30 किलोमीटर पर आवर, इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे 3 × 5/18 करते ना 5/18, और कैलकुलेट करोगे ये आपका बन जाएगा 8.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। अब बुलेट की जो स्पीड है, मजल स्पीड जो बुलेट की है, मैं VB मजल स्पीड है भाई, यानी मजल में से जब बुलेट निकल रही है तो वो स्पीड आपकी दे रखी है 150 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है। थीफ की जो स्पीड दे रखी कार की वो दे रखी है आपकी 192 किलोमीटर पर आवर, इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 से करेंगे तो ये आपकी बन जाएगी 53.33 मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये जो 150 मीटर पर सेकंड है बुलेट की जो स्पीड, वो क्या है कि ये मान के कि जैसे कि बंदा किस पे रेस्ट पे है, लेकिन एक्चुअल में ये तो किसके अंदर है, कार के अंदर है, पुलिस वैन में है, तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी किसकी किसके साथ हुई आपकी, साथ में क्या है कार की भी, तो इसके अंदर ऐड हो जाएगी ना, यानी 150 प्लस 30 किलोमीटर पर आवर दोनों को ऐड करने के बाद आएगी रिलेटिव वेलोसिटी या रिजल्टेंट स्पीड। तो यहाँ क्या लिखूंगा देखिए मैं, रिजल्टेंट स्पीड ऑफ बुलेट फ्रॉम मूविंग वैन वो आपकी क्या बनेगी, देखिए बुलेट की क्या थी 150 मीटर पर सेकंड, और पुलिस वैन की स्पीड हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर क्या किया इसको 8.33, यानी क्या हो जाएगा 158.33 मीटर पर सेकंड, ठीक भाई। अब दोनों के दोनों क्या जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपकी पुलिस वैन भी और ये आपकी पुलिस वैन और जो थीफ की कार, जो दोनों डायरेक्शन क्या सेम है, तो यहाँ आपकी रिजल्टेंट जो वेलोसिटी आएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी वो दोनों के दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है, तो क्या लिखेंगे वेलोसिटी सिंस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन लिख देते हैं, सिंस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन देयरफॉर वेलोसिटी विद विच जिससे द बुलेट हिट द थीप्स कार क्या बन जाएगी, वैन प्लस बुलेट की वेलोसिटी क्या बनेगी दोनों को जोड़ के 158.33 माइनस जो पुलिस की जो इसकी जो थीफ की जो कार उसकी वेलोसिटी क्या है 53.33
3 माइनस हो जाएगी, तो यानी कि किस स्पीड से जाके इनको माइनस करेंगे तो आपका बन जाएगा 105 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस स्पीड से जो है वो उसको हिट करेगी पुलिस की थीप की कार को, जो गन से बुलेट चलाई है पुलिस मैन ने उस। तो इस ढंग से आपका ये 14th क्वेश्चन कंप्लीट है।